सासा यार, आपको ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? गाड़ी इतनी स्लो चलाते हो, पता नहीं कब स्कूल पहुंचाओगे। अबे तुझे इतनी क्या जल्दी है, आज वैसे भी हम टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे। हाँ बाबू मोसाय, रेड क्रिमिनल की बात तो सही है, आप बहुत धीरे चलाते हो। अच्छा तो ये लो, अब पकड़ के बैठ जाना, ठीक है? अरे बाबू मोसाय, धीरे धीरे चलाओ, इतना भी तेज नहीं बोला था मैंने। अरे तुम सब लोग बैठ जाओ, सर आएंगे अभी। न्यू ब्रो, तुम दोनों रोज होमवर्क करके क्यों आते हो? मैंने मना किया है ना, हम तीनों नहीं खड़ेंगे और फिर क्लास के बाहर खड़े रहेंगे। चलो आज तो हम सर से पहले स्कूल पहुंच गए। हाँ सासा, पर ये क्या, यहाँ तो हमारी बैठने की जगह ही नहीं है। हाँ सही कहा बाबू मोसाय, हमारी लास्ट रो की चेयर कहाँ गई? अरे न्यू ब्रो, तुम वैसे भी पढ़ाई करके क्या कर लोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी चेयर फेंक दी। साढ़े एक दिन में तेरे को भी फेंक दूंगा, याद रखना। रे भाई खड़े क्यों सो सब लोग, चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी से। सर क्या अनाउंसमेंट है? रे भाई कल स्कूल पिकनिक पे ले जाने वाला से सारे बच्चों को, तो जिसने भी आना से वो मन्ने पिकनिक की फीस जमा करवा दो। पर सर आप हमें कहाँ ले जाने वाले हो? अरे तू जान के क्या करेगा, शकुर के बेस्ट फ्रेंड। रे इस नूबड़े को छोड़ो, जिसने भी आना से वो मन्ने पिकनिक फीस जमा करवा जाओ, चलो। मैं तो जाना चाहूंगी। अरे हम भी जाएंगे, मजा आएगा। सर हम चारों सहेलियों का नाम लिख लो, हम आएंगे। ठीक से केली 5,00,000 रुपए दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता है। साला नूबरा आदम और उसके दोस्त भी आ रहे हैं, तब तो मजा आएगा। अबे 5,00,000 फीस है, ये क्या चांद पर ले जा रहे हैं क्या? अरे सासा, चांद पे जाने के लिए 5,00,000 नहीं लगते, 6,00,000 लगते हैं। बाबू मोसा, सासा बकवास बंद करो और जाके हमारी पिकनिक फीस भरो, तुम हमारे सासा हो। हाँ भाई चलो नेक्स्ट। सर मैं भी आने वाला हूँ पिकनिक में। रे भाई तो फीस भर दे, और अगर पैसा ना से तो कुछ भी गिरवी रख सकता से, जैसे विनोद अपने घर का सोना रख के गया। अरे मेरे पास उससे भी बहुत ज्यादा कीमती चीज है। ये चीज इसे भाई दे दे। ये लीजिए, ये है मेरा दादाजी का सोने का दांत, इससे वो पत्थर सबाया करते थे। ये हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। वाह इतनी अनमोल चीज देने के लिए शुक्रिया क्रिमिनल। अरे सर ये मजाक कर रहा है, ये उसके दादा का नहीं उसका ही दांत है, सड़ गया था इसलिए आपको दे रहा है। फीस तो मैं ही भरने वाला हूँ। हाँ सर ये वाला दांत है। ठीक से तो चलो भाई, कल सवेरे 9 बजे आ जाना स्कूल पे। अरे जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हाँ सासा आ गए, रेडी है। अरे बेटा ये कहाँ जा रहे हो, घर छोड़कर जा रहे हो क्या? अरे नहीं ताऊ जी, हम तो पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे चलो बेटा, तब तो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, आप क्यों इतनी कष्ट उठा रहे हो, हम चले जाएंगे। अरे एक बार बोल दिया ना चलो छोड़ देता हूँ तो छोड़ देता हूँ। और गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम 1,000,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। अरे सासा ये तो हमें अपने खटारा ट्रैक्टर में छोड़ने आ रहे हैं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे ये देखो सब लोग, महान क्रिमिनल लोगर ट्रैक्टर में जा रहे हैं। अरे सासा चुप हो जाओ ना यार, चुप। देखा क्रिमिनल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तू किस में जा रहा है। सही कहा बाबू मोसाय, ट्रैक्टर में घूमो मौज काटो। नहीं वो तो मेरी फलाड़ी में पंचर हो गया, इसलिए मैं ये ट्रैक्टर में बैठा हूँ। झूठ बोल रहा है, ये ट्रैक्टर इसका ही है। रे बच्चों सब लोग आ गए ना, कोई रह तो ना रहा। अरे नहीं सर, सब लोग नहीं आए, वो नूबरा क्रिमिनल और आदम और हिप्पू ने आए। गर्ल्स तुम मेरे साथ रहना, वहाँ पर डेंजर एनिमल्स होते हैं, उनका हम मिलके सामना करेंगे। अरे ये लो बेटा हम पहुँच गए, यही है ना तुम्हारा स्कूल, एकदम ओपी है। अरे यार यहाँ तो सभी लड़कियाँ हैं, मेरी रेपुटेशन डाउन करवा दी। चलो बेटा उतरो, मेरे को जाना है और भी काम है। अरे आ गए नुबड़े, देखो ट्रैक्टर में आए है साले। सासा इनकी गैंग तो बहुत बड़ी है, ये सब हमें नहीं छोड़ेंगे, बहुत परेशान करेंगे। अरे क्या बात आ करता क्रिमिनल, कौन परेशान करेगा तेरी को। अरे पीटी के सर, 5-स्टार सर आप, अब तो मजा आएगा, आप भी आने वाले हो? हाँ मैं भी आएंगा यारो। रे भाई चलो चलते से, जर्नी बिगिंस। अरे ये तो अकेले ही जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं ले जा रहे? अरे तुम चिंता काय को करते हो, हम अलग जाएंगे यारो, चलो बैठो मेरी कार में।
अरे वाह, फाइव स्टार सर, आपकी कार तो एकदम ओपी है। हाँ बैगन, ऑफ रोड करने के लिए ही लिए। तो सरो सरते हैं। रे भाई, सभी अपने अपने कैंप्स ठीक से लगाना, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत से, अगर आपको कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं ना लूंगो। अरे वाह, क्या ही ओपी कैंप है, इसका फोटो मैं मम्मी को भेजती हूँ व्हाट्सएप पे। अरे सर ये देखो, ये नुबरे तो चीटिंग कर रहे हैं, कैंप तो लगाया ही नहीं इन्होंने। क्या बात है आदम, तू तो हवेली बना रहे लाए। हाँ सर, अभी तो पूरा बनना भी बाकी है। वो क्या है ना सर, मेरे को बड़ी जगह में रहने की आदत है, मैं कैंप में नहीं रह सकता। अरे वाह, क्या ओपी बंगलो है, इसकी भी फोटो मम्मी को व्हाट्सएप में भेजती हूँ। क्या बात है बाबू मोसाय, अभी तो 10 माला और बनाएंगे, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। हाँ सही कहा हिप्पू। अरे ये आपने क्या किया सर? रे भाई, यहाँ कैंपिंग करने आए से तो कैंप ही बनाना पड़ेगा, बंगला बंगला ना चलेगा भाई। रात होने वाली से जल्दी से अपने अपने कैंप बना लो। अच्छा खासा बंगला बना रहे थे, सर ने आके तोड़ दिया। मुझे पता था यही होने वाला है, इसलिए मैं घर से ही डोंकू का घर ले आया, अब मैं तो यही रहूंगा। अरे भाई बच्चों, यहाँ पर मौसम कभी भी बिगड़ सकता से, तो सभी अपने अपने कैंप में ही रहना, कहीं बाहर ना जाना। अरे सर, हम जंगली जानवरों से नहीं डरते। रे भाई, जानवरों की बात ना कर रहा मैं, वो तो क्रिमिनल भी से। सर आप बिना मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। भाई सुना से यहाँ पर मॉन्स्टर रहता से, इसलिए सभी बच्चे सो जाओ। चलो चलो भाई लोग, हम सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठेंगे। हाँ चलो गर्ल्स, हम भी सो जाते हैं, फिर मम्मी को जल्दी सुबह फोटो भेजूंगी गुड मॉर्निंग वाली। अरे बाबू मोसा, ये सब तो सो गए, मेरे को तो बहुत सूसू लगी है यार, क्या करूँ। हाँ एक काम करता हूँ, आगे झाड़ियों में चला जाता हुआ। अरे एक मिनट, ये यहाँ जंगलों में किसका घर है, कितना डरावना है। अरे हिप्पू, हम तो तुझे कैंप पर ढूंढ रहे थे, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें तो लगा तुझे जंगली जिराफ खा गया होगा। अरे बाबू मोसाई, कुछ तो वहाँ पर गया, आप लोग यही रुकिए, मैं जाके देखता हुआ। हिप्पू यार संभाल के, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बाबू मोसाई भागो, ये तो भूत है, राक्षस। अरे बच्चे, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ जो सबको कहानियाँ सुनाता है, आ जाओ तुम्हें भी सुनाता हूँ। अच्छा चाचा, तो हमें भी कोई कहानी सुनाओ। बच्चों, मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ पथरीले राक्षस की कहानी, जो इसी जंगलों में रहता है। अरे बाप रे, इसी जंगलों में रहता है? हाँ बेटा, सुना है उसे श्राप मिला था, इसलिए वो पत्थर का बन गया, और वो अब सबको पत्थर का बनाना चाहता है, तो भाग जाओ। अरे बाप रे, तब तो हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। बेटा अकेले कभी मत घूमना, क्योंकि वो अकेले बंदों का शिकार करता है। अंकल अच्छी कहानी थी, और अब हम चलते हैं क्योंकि सुबह होने वाली है। हाँ अंकल, थैंक यू, बहुत अच्छी कहानी थी। अरे बेटा ये कहानी नहीं, हकीकत है, बच के रहना रे। अरे कहाँ थे तुम तीनों, पूरी रात गायब हो गए थे। अरे सर, वो हम जंगल में टहल रहे थे। वैसे सर सारे बॉयज कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो ट्रैकिंग के लिए गए हैं यारो, हमें भी जाना है, जल्दी चलो। अरे मैं और मेरी फ्रेंड्स नहीं गए, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत डेंजरस होती है। रे भाई के कर रही है सो, अभी तो हमें काली पहाड़ी की चोटी पर जाना से, अगर यो ट्रैकिंग तुम कंप्लीट ना कर पाए तो तुम्हें एग्जाम्स में फेल कर दूंगो। अरे यार ये ट्रैकिंग तो बहुत मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल ना है, हम तो यू चढ़ जाएंगे भाई, उछल के कूद के। अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा है जी, अगर यहाँ से हाथ छूटा तो सीधा लॉबी में जाएंगे। अरे सर इतना ऊंचा पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ, हम ये टास्क नहीं कर पाएंगे। अरे यारो काइकू फोकट का टेंशन लेते हो, हम तो कार से जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे यारो, आ जाओ बैठ जाओ। अरे वाह सर क्या बात है, आप तो एकदम ओपी हो, इसी वजह से आप मेरे फेवरेट टीचर हो। सर वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरे यारो ऊपर काली पहाड़ी पे जाना है, वो सब लोग भी वही जा रहे हैं।
अरे यार ये मौसम को क्या हो गया, अचानक तेज बारिश होने लगी। अरे बैगन सभी लोग संभाल के चढ़ना, यहाँ आगे बहुत फिसलने। अरे बाबू मोसाई बचाओ। अबे यार जोर की लग गई। और यार अब मैं वापस ऊपर कैसे जाऊंगा, आगे तो घना जंगल है और ऊपर बड़ी खाई, मैं तो बीच में फंस गया भाई। ये ले यारो, पहुंच गए पहाड़ की चोटी पे। क्या कीरा नजारा है यहाँ से तो। हाँ सर काफी बढ़िया नजारा है। रे फाइव स्टार सर, मैं और मेरे स्टूडेंट्स तो तुमसे पहले पहुंच गए, हम तो ओपी से। फाइव स्टार सर, हिप्पू और क्रिमिनल कहाँ गए, हमारे साथी तो थे। बाबू मौसा एकदम थक गया, कब से चल रहा हूँ और ऊपर से ये बारिश। और इस घर में जाके देखता हूँ, अगर कोई हो तो मेरी मदद हो जाएगी। हेलो कोई है? अरे चाचा मेरी मदद कर दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरे ये तो सामने ही नहीं देख रहा। अरे चाचा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा मुझसे कुछ कहा क्या? अरे बाबू मौसा राक्षस भागो। येड़े ये मेरा ही घर है, जभी देखो तभी मेरे को पोथी मानता रहता है ये। रे चलो बच्चों अब हम बस चोटी पर पहुँच ही गए से। अरे पर सर सामने कौन खड़ा है? ओए मैं हूँ पथरीला राक्षस। अरे सर ये तो राक्षस है, हमें बचाओ। मैंने बोला था भाई मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ना लूंगो, मैं तो खुद की लूंगो, मैं जा रिया हूँ पैराशूट लेके। अरे सासा मैंने जंगलों में मॉन्स्टर देखा, बहुत डरावना था। अरे हिप्पू क्रिमिनल तेरे साथ नहीं है क्या, हमें लगा वो तेरे साथ होगा। अरे नहीं सासा मैं तो अकेला गिर गया था रास्ते में। अरे सासा बिना एकदम बसो जैसे है, लगता है कहीं घूम गए हैं। छोड़ो मैं तो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूँ, वो भी पहुंच जाएंगे। पर एक मिनट, ये जनाब कौन है और यहाँ पहाड़ की चोटी पर क्यों नाच रहे है? अरे सुबह हो गई पर क्रिमिनल अब तक नहीं मिला, कहाँ होगा? अरे सासा वो रहा सोटी पर लेटा है साला आराम से। अरे सासा आप भी ना यार एकदम नूब हो, इतनी देर कौन लगाता है पहाड़ चढ़ने में, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो घर चलते हैं, हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। पिकनिक तो बहुत बढ़िया थी पर मुझे एक बात पता नहीं चली, सब लोग भाग क्यों गए रात को? अरे चाचा वो सकुरी ने टेटस डाला था कि उसने भूत देखा रात को। आई सी भूत, काली पहाड़ी की सोटे। आज तो बहुत पैसा कमाना है, नया बिजनेस जो हाथ लगा है। चल दोस्त तू ही मेरे को बहुत सारा पैसा कमा के देगा। ओए मेरे को छोड़ दे ओए राक्षस कही के, तेरे को एक पथरीले राक्षस की बद्दुआ लगेगी ओए। अरे समझ इसमें हम दोनों भाई का फायदा है, तू भूत है तो तेरा काम है सबको डराना, और मैं बनूंगा भूत भगाने वाला, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा और बदले में लोग मुझे पैसा देंगे। ओए नहीं चाहिए मेरे को पैसा, मेरे को छोड़ दे ओए। With the bells.